नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह। इनसे हम जानेंगे बिहार की शुरुआती राजनीति को लेकर और वर्तमान राजनीति को लेकर कि वर्तमान में किस तरह के हालात हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे दो बड़े नेताओं के बारे में, उनकी क्या स्थिति है और वर्तमान में जो है बिहार की राजनीति में वो किस तरह की अहमियत रखते हैं। दोनों नेता का नाम है RCP सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। तो चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं RCP सिंह को लेकर। तो जो सब RCP सिंह, जैसे ही आपके दिमाग में नाम आता है तो क्या एक परिदृश्य निकल कर सामने आता है कि क्या किस तरह से आगे नीतीश कुमार को डैमेज कर सकते हैं या फिर अपने राजनीतिक करियर को वो आगे बढ़ाएंगे? दोनों में से क्या करने की स्थिति में है वो? देखिए, RCP सिंह फिलहाल कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। RCP सिंह कोई राजनेता नहीं है, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, ना ही कोई किसी राजनीतिक दल के तपे तपाई कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन से उठकर ऊपर आए हैं। दरअसल जब हम RCP सिंह का नाम लेते हैं तो हमारी नज़र या हमारे जहन में एक जो तस्वीर सामने आती है वो आती है एक नौकरशाह की, एक अफसर की। और जो नौकरशाही, जिस नौकरशाही के नाम पर, जिस अफसरशाही के नाम पर नीतीश कुमार की लाख उपलब्धियां हों बिहार में, बिहार के विकास में, लेकिन अफसरशाही के नाम पर नीतीश कुमार लगातार आलोचनाओं से घिरे रहे हैं। और अफसरशाही का वो चेहरा है RCP सिंह। कुछ लोग तो कहते हैं कि RCP सिंह का मतलब नीतीश कुमार के पूर्व PA कह सकते हैं आप। और दो मेरे हिसाब से अगर हम देखें RCP सिंह को, तो हम आपको पुराने दिन याद कराएं, जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे RCP सिंह, उसके बाद जब केंद्र में मंत्री बने तब जो है तेजस्वी यादव RCP टैक्स का एक जिक्र करते थे। इन दोनों के बारे में बताएं। आपने कहा कि उनका राजनीतिक वर्चस्व जो है उस तरह का नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं एक बड़ी पार्टी, मतलब कि जदयू का। वर्तमान में उसकी स्थिति भले ही कमजोर हो, लेकिन एक स्थिति रही है जदयू की, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारी जितनी राजनीतिक समझ है, हम जितना समझ पाते हैं, नीतीश कुमार ने आखिर किन योग्यताओं के आधार पे RCP सिंह जैसे व्यक्ति को पहले संगठन महासचिव, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री, तो कहते हैं कि नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत ही बने थे, लेकिन राज्यसभा में तो उन्होंने भेजा था। नीतीश कुमार को उनमें कौन सी खूबियां दिखी, ये समझ में नहीं आती। और रह गई तेजस्वी यादव की बात, तो राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। तेजस्वी RCP टैक्स के बारे में कहा करते थे, लेकिन जब RCP सिंह JDU में थे उस दौरान भी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार के 2015 में बने थे, हमें याद रखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव, अब जो इतनी चीजें देखी जा रही, इन दोनों को जोड़कर देखी जा रही है, तो ऐसे में जदयू से बगावत किए हुए दो नेता, एक RCP सिंह और एक उपेंद्र कुशवाहा, तो RCP सिंह कितना डैमेज कर सकते हैं? नहीं, देखिए, RCP सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, इन दो नेताओं की आप तुलना नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने RCP सिंह को आगे जरूर बढ़ाया था, क्योंकि वो उनके स्वजातीय थे। RCP सिंह न तो नालंदा के नेता बन सके, न तो कुर्मी समाज के नेता बन सके, और JDU के नेता तो नहीं बन सके, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नेता है। RCP सिंह का नीतीश कुमार को कितना डैमेज कर सकते हैं? बिल्कुल कोई डैमेज नहीं कर पाएंगे। RCP सिंह अपने दम पर एक मुखिया बनने की हैसियत भी नहीं रखते हैं, तो नीतीश कुमार को डैमेज करने का सवाल ही नहीं होता है। नीतीश कुमार बिहार के कुर्मी समाज के, विशेष तौर पर हम कह लें जो जातीय खांचे में जो बंटी हुई राजनीति है उसके बारे में बात कर लें, तो नीतीश कुमार कुर्मी समाज के एकमात्र और सर्वमान्य नेता है बिहार में। RCP सिंह की कोई हैसियत, राजनीतिक हैसियत उनके आगे मुझे तो समझ में नहीं आती। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। अब उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति है वर्तमान में, क्योंकि वो यात्रा पे भी निकले हुए हैं और दोनों नेता यात्रा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ यात्रा कर रहे हैं और RCP सिंह बिहार बचाओ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह दूं, अपनी बात को दोहराता हूं कि RCP सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में कोई तुलना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उपेंद्र कुशवाहा नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार है, खास तौर पर जो कुशवाहा समाज है बिहार का, जो उनमें अपना नेता देखता है। उनको लगता है कि जब यादव समाज का नेता हो सकता है, पासवान समाज का नेता हो सकता है, कुर्मी समाज का नेता हो सकता है, तो हमारा भी नेता होना चाहिए। तो कुशवाहा समाज अब स्वीकार कर रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इतने महत्वाकांक्षी हैं और ये महत्वाकांक्षा जो है ना, वो उनके विकास में बाधक है। उपेंद्र कुशवाहा तो थोड़ा डैमेज करेंगे JDU को, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी जब हम बात कर लेते हैं ना
सारे पक्षों को हम ध्यान में रखें। उपेंद्र कुशवाहा 2015 में भी नेता हो गए थे, 2014 में वो काराकाट से चुनाव लड़े, जीते, केंद्र में मंत्री बने और कुशवाहा समाज ने उनको अपना नेता माना। लेकिन जब 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई था नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाया, चिराग पासवान को जोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ा, जीतन राम मांझी को जोड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो गई उस चुनाव में, लालू और नीतीश के आगे जोड़ी टिक नहीं पाई और जो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का जो गठजोड़ है उनके साथ उस वक्त सिर्फ कांग्रेस थी और आज की तारीख में उनके साथ लेफ्ट पार्टी भी है, जीतन राम मांझी भी हैं और लेफ्ट पार्टीज का बिहार के कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में बड़ा जनाधार और इससे इसकी वजह से मान सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन अब भी मजबूत है एनडीए के मुकाबले। और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, ये जो भानुमती का कुनबा जिसको कह सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब कुछ दिन में उपेंद्र कुशवाहा तो भी जाएंगे, उसमें मुकेश सहनी भी जाएंगे। हालांकि ये हमें याद रखना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा अब भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि कम से कम इस जन्म में तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन नेताओं के बयान के बारे में क्या ही कहा जाए। देखिए, तो उस समय का जो उनका बयान था उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम, जैसे उसमें बात चली थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अब तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, तो अब गठबंधन की बात चल रही है कि क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, जैसा कि आपने 2015 का जिक्र किया। उस समय सेम वही पैटर्न जो है अभी बीजेपी, जैसा कि लोग ये भी अखबारों में लिख रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पे जो है अभी बीजेपी चल रही है और अपने कुनबे को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि जो है 24 का चुनाव वो आगे नहीं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बिहार में महागठबंधन के सामने बेबस है, लाचार है। यही वजह है कि मुकेश सहनी, जिनके विधायकों को तोड़कर उनके पार्टी को ही बिहार विधानसभा से समाप्त कर दिया गया, जिनके बारे में तेजस्वी यादव लगातार कहते थे कि आप छोटा रिचार्ज हैं और आपका जो रिचार्ज, आपका जो वाउचर है उसको पुनः कूपन जो है रिचार्ज नहीं कराया जाएगा। और सच में ऐसा ही हुआ इनके विधायकों को तोड़ के इन लोगों ने अपने भारतीय जनता पार्टी में मिला लिया। लेकिन अब जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, मुकेश सहनी पर भी पासा फेंका जा रहा है, जाल फेंका जा रहा है। और मुकेश सहनी भी कैसे नेता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुकेश सहनी भी तुरंत चले जाएंगे बीजेपी के साथ। मुकेश सहनी का शुरुआती जो राजनीति में करियर रहा वो बीजेपी के अलायंस के नहीं, साथ बहुत कम समय में का उनका राजनीतिक करियर है और बाकी वो सारा घर घूम चुके हैं। ये बड़ी दुर्दशा है। तो उपेंद्र कुशवाहा पे ही चलते हैं और लवकुश थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति में जो है लवकुश थ्योरी को बहुत ही जोर से देखा जाता है, क्योंकि जातीय स्थिति अगर हम बिहार की समझेंगे तो उसमें लवकुश थ्योरी जो है नीतीश कुमार को लेकर जो है काफ़ी एक मजबूत पकड़ रही है। और उसी को देखते हुए ही नीतीश कुमार जो 2020 में उनका जो गति हुआ उसके बाद उनको लगा कि हम कुशवाहा को अपने साथ रखें, उसमें उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा, लेकिन आज जो स्थिति है वो कुशवाहा इनसे अलग है। तो आपको क्या लगता है लवकुश थ्योरी में नीतीश कुमार को यहाँ डैमेज होता दिख रहे हैं? नहीं, लवकुश थ्योरी जो है अब उसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ वोट जुड़ा है कुशवाहा समाज का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से फिसड्डी हैं, नीतीश कुमार के पास बिल्कुल भी कुशवाहा समाज का वोट नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन बड़ा हिस्सा जो है उनके साथ जरूर गया है। और जिस तरीके से जो माई समीकरण आरजेडी का आप देखिए, लेफ्ट पार्टीज के आप वोट देखिए, और जो सवर्ण बहुल इलाके हैं बिहार में जहां फॉरवर्ड जातियों के लोग ज्यादा हैं, वहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया जाता है, तो ये जो महागठबंधन का कुनबा है ना, सच में बहुत मजबूत है। और जहां आप एक बात और देखें, आप मान सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी अभी जो 20 का चुनाव हुआ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ, ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ मिलकर लड़ा, नतीजा कुछ भी नहीं मिला। 5 सीटें पांच सीटें उनको मिल गई, एक सीट जो है आपको बीएसपी जीत गई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं मिला। देखिए, कुशवाहा समाज की राजनीति को हम जितना समझते हैं या हमने देखा है, जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर मानिए कि यादव समाज की तरह ये एक समर्पित वोट बैंक नहीं है। जैसे अगर कुशवाहा समाज का कोई उम्मीदवार आरजेडी से आ जाए, बीजेपी से आ जाए, उनका कोई तालमेल किसी से ना हो, वोट उनको मिल जाता है, समाज के साथ वोट चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र जो मजबूती की बात हो रही है कि क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा, ये फैक्टर यहां पर काम करने लगता है कि हमारा उम्मीदवार किस जाति का है। अगर बीजेपी का या आरजेडी का उम्मीदवार कुशवाहा जाति का होता है तो समाज का उसका वोट मिल जाता है,
ऐसे वजह से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि क्या फैक्टर होंगे, लेकिन यह सवाल एक तो है कि उपेंद्र कुशवाहा डैमेज करेंगे या नहीं करेंगे। फिर भी 2020 के चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, नहीं थे। 15 में भी नहीं थे, नहीं थे। 15 में भी नहीं थे, लेकिन राजद और जदयू का जो वोट बैंक है ना, वो बहुत मजबूत वोट बैंक हो जाता है। उस पर उपेंद्र कुशवाहा अलग हो जाएं, सहनी अलग हो जाएं, मांझी चले जाएं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक एक थ्योरी और है इसको लेकर, कुशवाहा को लेकर। अगर हम उपेंद्र कुशवाहा से इतर कुशवाहा नेताओं को अगर हम देखें तो 2020 का जो विधानसभा का चुनाव है उसको अगर आप देखिएगा ठीक से, तो शाहबाद का जो पूरा इलाका है उसमें जदयू नील हो गई। उसका एक जानते बड़ा कारण जो निकल के सामने आया, और जदयू खुद इस बात को मानती है कि उसमें कुशवाहा का जो वोट बैंक है और कुशवाहा का जो बड़े नेता है उस पूरे इलाके में, वो इससे बिछड़ गए थे। तो उसके बाद जो जदयू की गति हुई, उसके बाद तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ललन सिंह बने, उन्होंने सबसे पहले जो कुशवाहा के जितने बड़े नेता जो पहले जदयू के हिस्सा हुआ करते थे, जो छूट छूट के गए, उस सब को पकड़ के इन्होंने अंदर कर लिया। तो ऐसे में ये थ्योरी जो कही जा रही है कि कुशवाहा में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उसके अंदर को जो और छोटे छोटे, हाँ वो जदयू के साथ हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जदयू में करके आए थे तो उनके कई साथी अब इस दल में, यानी कि जनता दल यूनाइटेड में वो हैं अभी भी। और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी हैं खुद। और एक नेता को हम नहीं भूल सकते, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देखिए कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं और बहुत मजबूत तरीके से अपनी बात को रखते हैं। बिहार विधान परिषद में या विधान मंडल में जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही है। सम्राट चौधरी जब भगवा गमछा बांध करके जब सवालों की बौछार करते हैं, सरकार को घेरते हैं, सम्राट चौधरी जो एक आक्रामक तेवर में है, अब उपेंद्र कुशवाहा उनके सामने कहां टिकते हैं। तो अब यहां भी एक लड़ाई होगी एनडीए के अंदर। और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को आने वाले समय में बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रस्तावित कर सकते हैं। लेकिन जो सम्राट चौधरी के समर्थक हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर इस बात को लिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहूंगा कि जितने कुशवाहा नेता हैं ओवरऑल बिहार में, उनमें उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ा है, जनाधार बढ़ा है, और कुशवाहा समाज के लोग उनके साथ हैं, नजर आ रहे हैं। एक और नेता, अब वो नुकसान किसको करेंगे, हाँ ये देखने वाली बात होगी। एक और हम कुशवाहा नेता का ही अगर जिक्र कर रहे हैं तो आरजेडी से है आलोक मेहता। आलोक मेहता मंत्री हैं और आलोक मेहता के साथ भी समाज के लोग हैं। अभी उन्होंने जगदेव प्रसाद का कार्यक्रम भी जो किया था, शहीद जगदेव प्रसाद को लेकर के। तो आलोक मेहता का भी अपने समाज में, खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर के जो कुशवाहा नेता हैं उनको वो लीड करते हैं, जो कुशवाहा समाज के नेता कार्यकर्ता हैं वो भी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम सम्राट चौधरी की बात करें, आलोक मेहता की बात कर लें, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की बात कर लें, इन सब पर उपेंद्र कुशवाहा अभी भारी है। तो एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार के अगर हम आगामी जो जितनी भी राजनीतिक स्थितियां हो, चाहे जिस तरह की उठा पटक कुशवाहा को लेकर उनके मन में चल रहा हो, ऐसे में कुशवाहा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ ना कुछ तो नीतीश कुमार को डैमेज जरूर ही करेंगे। यह हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही डैमेज कर दें, ऐसा भी तो हो सकता है। इस थ्योरी पे कैसे काम करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर नहीं, मैं आपको 2015 का ही एग्जांपल दे देता हूँ। 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बहुत चरम पर थी। 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 3 सीटें इनको मिली थी। भारतीय जनता मोदी लहर एकदम आसमान पर था, 3 की 3 सीटें इन्होंने जीती थी, केंद्र में मंत्री बने थे। और इसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए थे इनको कई सीटें मिली थी, लेकिन खाता खोलने में पसीना छूट गया था इनका, और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ था उसमें। तो हम कह रहे हैं कि 2020 की जो स्थिति थी चुनाव को, उसमें चिराग पासवान को कैसे बीजेपी ने इस्तेमाल किया, क्या उस थ्योरी पे काम करेगी फिर से एक बार बीजेपी? नहीं, नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खास। उपेंद्र कुशवाहा भी तो वही थे, उपेंद्र कुशवाहा भी 20 के चुनाव में अलग से चौथा मोर्चा बना के चुनाव लड़ रहे थे। इस बार तो स्थिति होगी कि वो बीजेपी नहीं, नहीं, वो तो MIM के साथ थे ना। अब MIM हम कह रहे हैं कि इस बार जो 2025 का चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव हो, उसमें अगर वो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जाती है और जहां जहां जदयू है उन कैंडिडेटों के साथ उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट अगर उतर के सामने आते हैं, खासकर कुशवाहा, वही तो मैं कह रहा हूं कि 2015 में भी वो साथ घूम रहे थे, 2020 के चुनाव में अपना अलग ही मोर्चा लेकर घूम रहे थे, लेकिन क्या वोट मिला उनके उम्मीदवारों को, ये देखने वाली बात हो जाती है। क्योंकि एक तो नेताओं का समर्थन करना, नेता के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और वोटिंग के दिन बूथ पर जाकर वोट में बदलना, ये एक बड़ी बात हो जाती है। ये राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी के वोटरों में ये खूबी है कि वो अपने पार्टी की बात भी करते हैं, पार्टी के बारे में लिखते भी हैं, और जब मतदान केंद्र पर जाते हैं तो अपने ही दल को वोट दे के चले आते हैं।
दूसरे दलों में इस तरह की स्थितियां नहीं है, भले वो कितने भी पॉपुलर नेता रहे हों, लेकिन बिहार की सियासत हो या फिर देश की सियासत हो, इन समूहों में जो है इस तरह की स्थितियां होती है, क्योंकि उनके साथ समर्थक होना और उसको वोट में कन्वर्ट कर देना ये एक बड़ा मसला है और एक समस्या भी रही है। तो ऐसे में आज की परिचर्चा जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कुशवाहा और आरसीपी सिंह को लेकर आज की चर्चा हुई, जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि आरसीपी सिंह की बिहार में क्या स्थिति है, नीतीश कुमार को लेकर वो कितना नुकसानदेह हो सकते हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा में कुशवाहा की जो थ्योरी है उसमें उपेंद्र कुशवाहा कितना नीतीश कुमार को डैमेज कर सकते हैं। अगला एपिसोड एक और इसी तरह के एक नए विषय के साथ हम आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।